हेलो फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सुधीर कोचाड़े फ्रॉम आरएलटी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला एंड आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस डिजास्टर मैनेजमेंट क्लब प्रिंसिपल ब्रिगेड श्री आरएलटी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला। फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग ऑल द सेशंस राइट फ्रॉम 27 टिल 8। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अमंग ऑल ऑफ यू। Very important topic as far as our routine is concerned, and this topic is FBAO. It means foreign body airway obstruction. Let me tell you friends, what is meaning of this foreign body airway obstruction? We will discuss in this chapter. See now, if suppose there is something that chokes which creates problem in your airway, in the breathing. So that leads to that terminology is the foreign body airway obstruction. Now foreign body, sometimes it is not needed that foreign body itself is responsible for choking airway. There are certain other circumstances also which may lead to choking of this airway, which leads to obstruction of airway. Now there are upper and lower airway obstructions. Let us discuss about these two types of obstructions. An upper airway obstruction is nothing but is due to anything which leads to block the back of the mouth, throat or the nasal passages. See, here it leads to block back of the mouth or throat or the nasal passages. This is typically dealing with the upper airway. Let us talk on lower airway obstruction. This is caused by breathing in a foreign body or by severe spasm of the bronchial passages such as asthma. स्पाजम का मतलब होता है जैसे झटका वगैरह आना. सो दिस इज ऑल्सो लीड्स टू क्रिएट प्रॉब्लम इन यूर एयर वे. नाउ वॉट आर रीजन्स फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे, लेट अस टॉक अबाउट दिस. यस, वन थिंग फॉरेन बॉडी, समथिंग दैट चोक्स एयर वे, इट इज ड्यू टू द फॉरेन मटेरियल, कुछ भी बाहर की चीज इनहेलिंग के समय में बॉडी में आना, जिससे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट होना, एयरवे का रुकना, ठीक ढंग से काम नहीं करना. सो दिस इज ड्यू टू द फॉरेन बॉडी. देन टंग, टंग की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं. देन इनर टिश्यू डैमेजेस, टिश्यू डैमेज अगर इनर साइड के होते हैं, समटाइम्स इट इज ड्यू टू द एक्सीडेंट्स ऑल्सो, इससे भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. देन एक्यूट एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस टिश्यू. एक्यूट एपिग्लॉटिस का मतलब होता है समथिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस. फ्लैप दैट कवर्स ट्रकिया, ट्रकियल रीजन को एक फ्लैप का कवर करना, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में आता है. समटाइम्स इलनेस, जिसको हम लोग बीमार पड़ना वगैरह कहते हैं, इसके भी ये भी कुछ कॉजेस हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट होना. सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की, तो वो होता है फूड. देखो, समटाइम्स जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो पेशेंट या फिर विक्टिम आइदर रिस्पॉन्ड करेगा या फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा. फूड ये कॉज होता है रिस्पॉन्सिव पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉज होता है. अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट की या फिर विक्टिम की अगर बात करते हैं, तो जबान या फिर टंग, जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सबसे पहले ऐसे समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज FBAO. सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो क्या है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सबसे पहले कि अगर रिकॉग्निशन में
क्या है कि सबसे पहले जानिए कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, सिनेरियो क्या है, व्हाट इज रीजन, विक्टिम रिस्पॉन्सिव है क्या, अनरिस्पॉन्सिव है क्या, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई, दिस यू हैव टू रिकॉग्नाइज. दूसरी चीज, सस्पेक्ट FBAO, दैट इज फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी विक्टिम. अगर ऐसा होता है, सडनली स्टॉप्स ब्रीदिंग, बिकम्स साइनोटिक, लूजेस कॉन्सियसनेस फॉर नो अपीयरेंस. सी व्हाट हैपेंस हियर, अगर FBAO है तो ब्रीदिंग उसका स्टॉप होगा, साइनोटिक कंडीशन आप देख सकते हैं. साइनोटिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड अ साइनोसिस. और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है, सो इट लूजेस इट्स कॉन्सियसनेस. देन लेट अस टॉक अबाउट पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. क्या होता है, व्हाट इज पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? सो जब पार्शियल होता है, कंप्लीट, देयर इज सम ब्रीदिंग बट नॉट इफेक्टिव एज मच एज नॉर्मल, इट इज इनइफेक्टिव. तो ऐसे समय में क्या होता है, वीक इन इफेक्टिव कफ, ये सिम्टम दिखेगा. उसकी नॉइज जो है वो हाई पीच वाली होगी, ही विल ट्राई टू व्हाट मेक अ साउंड, हाई पीच वाली साउंड होगी. जब वो इनहेल करेगा तो आवाज आएगी. रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी वहां पर आपको अराइज होते हुए दिखेंगे, वो इंक्रीज होंगी उसकी डिफिकल्टी, और जिसकी वजह से थ्रोट का क्लच होना ये संभव होता है. दूसरी चीज, ऐसे विक्टिम्स में साइनोसिस जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूइश कलरेशन होना स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, ये पार्शियल एयर ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे आता है. कंप्लीट एयर ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, अ पेशेंट विथ कंप्लीट फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हियर यू विल सी दैट पेशेंट विक्टिम will not be able to speak and may grasp at his or her throat. और जल्द से हम लोग देखेंगे कि वो अपने throat को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, यह दिखेगा हमको. इसको universal sign of choking कहते हैं. जब choking होता है तो सबसे पहली चीज वो एक victim जो होगा वो आवाज करेगा उसकी, when he will be inhaling, so you will see high pitch sound. यूनिवर्सल साइन जिसको हम लोग कहते हैं चोकिंग का, कि उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन पर होंगे, थ्रोट पर होंगे. एयर मूवमेंट जो होंगी वो एयर मूवमेंट हमको एब्सेंट दिखेगी. सी दिस, ये फिगर्स आपको दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सल साइन है. जैसे ही थ्रोट चोक हुआ, इमीडिएटली उसके हाथ बिल्कुल अपने गले पर चले गए हैं. नाउ ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना है, ये एडल्ट रिस्पॉन्सिव है, यू कैन सी उसने हाथ बिल्कुल अपने गले पर लेकर गया, इसका मतलब ही इज रिस्पॉन्डिंग, ही इज सेइंग, ही इज टॉकिंग विथ अस, ही इज सेइंग अस दैट ही इज चोकिंग. मैनेजिंग FBO इन कॉन्शियस एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जैसे एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में किस तरह से मैनेज करते हैं ये देखते हैं हम लोग. ये मेथड बड़ा सिंपल मेथड है, इस तरह से पोजीशन में लाना है आप लोगों को, एंड इन द एब्डोमिनल रीजन अपने एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से पकड़ना है. इस मेथड को हेलमिच मैन्यूर मेथड कहते हैं, एंड देन यू हैव टू प्रेस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेथड इज हेलमिच मैन्यूर मेथड. जस्ट आई वी एक्सप्लेन, जस्ट पुट योर टू आर्म्स इन द abdominal region and push it. That will help to take out the choking. दूसरा abdominal thrust जिसको कहते हैं, abdominal region पर, ये चाहे वो adult हो चाहे वो child हो, इनमें इस तरह से हम लोग सबसे पहले तो उनको ले करना है victim को, और इस तरह से हमको pressure जिस तरह से figure में दिया गया है ऐसे करना है हम लोगों को. See now, obesity है तो ऐसे विक्टिम्स में थोड़ा सा ऊपर, यानी कि पेट के थोड़ा ऊपर चेस्ट के रीजन में इस तरह से हम लोगों को पकड़ना है, और यहां पर हमको प्रेस करना है दोनों हाथों से लेकर.
एक वेरी इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों में या फिर एडल्ट चाइल्ड्स में, एडल्ट्स में भी हम लोग कर सकते हैं. सो ब्लाइंड फिंगर स्वीप जिसको कहते हैं, सिंपल से लेट अस सपोज इट इज ड्यू टू फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक ब्लाइंड सिंपल फिंगर जो है वो माउथ में इस तरह से घुमाना है हम लोगों को ब्लाइंडली, जिससे भी हम लोग ये जो भी चौक हो वो निकाल सकते हैं. देन चेस्ट थ्रस्ट, यस चेस्ट थ्रस्ट ये मेथड है. दिस इज यूज्ड इन द प्रेग्नेंट और ओबेज, मोटापे वाले लोगों में, या फिर वुमन अगर प्रेग्नेंट है तो हम लोगों को चेस्ट में थ्रस्ट देकर वो चोक निकालने की कोशिश करना है. याद रहे कि दोनों हाथ या फिर हाथ अगर थ्रोट रीजन पर जाते हैं तो समझ जाइए कि दिस इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर वे. इन्फेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्फेंट्स में इस तरह से, जिस तरह से सीपीआर में जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, सीपीआर में जिस तरह से हम लोग दो फिंगर से हम लोग प्रेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर प्रेस करना है. एग्जैक्टली ज़िफोइड प्रोसेस, उसके ऊपर स्टर्नम रीजन में दो फिंगर्स इस तरह से रखना है. देन कीप योर वन हैंड ओवर हेड एंड जस्ट ट्राई टू पुश बाय योर टू फिंगर्स. और अगेन वन ऑफ द मेथड, जैसे चेयर पर वो बैठा हुआ है और इस तरह से हम लोगों को, अगर बच्चा है तो उसको दोनों हाथ सी बराबर से पकड़कर पीठ पर हमको वहाँ पर इन्फेंट्स को वहाँ पर कॉम्प्रेशन दिए, जैसे कॉम्प्रेस किए जैसे करना है, या फिर एक दो उसके ऊपर से जिस तरह से हम लोग उस पर प्रेशर डालेंगे. एडल्ट एफबीओ की अगर हम लोग बात करते हैं, एडल्ट में किस तरह से मैनेज करते हैं इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, कैसे करेंगे, आस्क आर यू चोकिंग. सबसे पहली चीज, इस तरह की विक्टिम आपके सामने होते तो सबसे पहले पूछिए आर यू चोकिंग. उसके बाद में अगर वो हाँ कहता है या फिर उसके हाथ उसके गले पर जाते हैं, थ्रोट पर जाते हैं, तो एब्डोमिनल थ्रस्ट दीजिए, चेस्ट थ्रस्ट तब देंगे अगर विक्टिम ओबेज हो, मोटा हो, या फिर फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों को चेस्ट थ्रस्ट देना है. रिपीट स्टेप टू अनटिल इफेक्टिव. हम लोग इफ विक्टिम बिकम्स अनकॉन्शियस गो टू द नेक्स्ट स्टेप. देखो हम लोगों को ये स्टेप बिल्कुल रिपीट करना है, फर्स्ट सेकेंड, और जल्द से जल्द जैसे हमने MFR में पढ़ा है उस तरह से हम लोगों को इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है, उसको एक्टिवेट करना है, 108 पर कॉल करना है, और तब तक हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग फर्स्ट एड देंगे जब तक कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ना आ जाए. देन परफॉर्म टंग जॉ लिफ्ट इफ ऑब्जेक्ट इज विजिबल, डू द फिंगर स्वीप. टंग जॉ, टंग को पकड़कर, सी हियर वॉट यू हैव टू डू, टंग वहां पर हम लोगों को अपना ब्लाइंड फिंगर स्वीप करना है. टंग जॉ जो होता है उसको लिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट विजिबल है तो उसको निकाल दीजिए फिंगर स्वीप करके. इफ ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल डू ब्लाइंड फिंगर स्वीप, अगर ऑब्जेक्ट दिखता भी नहीं है तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप कीजिए. एयर वे ओपन कीजिए, वेंटिलेट कीजिए, विक्टिम को रिपोजिशनाइज कीजिए, उसके हेड रीजन का रिपोजिशन बहुत नेसेसरी है. लगभग 5 हम लोगों को एब्डोमिनल थ्रस्ट देने ही हैं, 5 से 7 बार उसको रिपीट कीजिए, और इस तरह से हम लोग उसमें जो चोकिंग है थ्रोट में उसको निकाल सकते हैं. वेरी इफेक्टिव मेथड. एंड दिस टॉपिक इज ओवर हियर विच इज कॉल्ड फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर काम लिसनिंग एंड आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू हैंडल द विक्टिम सफरिंग विथ the FBAO. Thank you very much. Thank you so much.